हेलो दोस्तों, आज हम आपको घुमाते हैं जयपुर। तो ये हम जैसे वहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे हमें ट्री तो आपको मालूम है, हर जगह अवेलेबल है। वहाँ पर हमने एक चीज़ देखा, ये गेट था। जयपुर के चारों तरफ गेट बने हुए थे पिंक कलर के, इसीलिए जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। हमने काफ़ी देर इसमें पूरे शहर में घूमे। देखिए, ये इसका चौराहा था। यहाँ पर मेट्रो भी है, लेकिन ओनली फॉर 10 स्टेशन। अभी छोटी है, अभी स्टार्ट ही है। अब देख रहे होगे वीडियो में, ट्री वालों ने तो बहुत जाम लगा रखा था। वहाँ पर काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में जयपुर को सजाया गया है, बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी थी वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ पर दुकान के बाहर कुछ भी टांग लेते हैं, यहाँ पर एक दुकानों की लिमिट थी, उससे आगे तुम कुछ नहीं टांग सकते। आप देख रहे हो वीडियो में, सब गुलाबी गुलाबी था। अगर आप कभी भी जयपुर जाओगे घूमने के लिए, पिंक सिटी का ज़रूर आनंद उठाएं, लेकिन यहाँ पर सामान बहुत महंगा है, हिसाब से जाना। और भाई, ऑटो वाले तो ये सोच लो लूटते हैं। ऑटो वाले जो हैं, 1 किलोमीटर के 100 रुपये बताएंगे वो आपको, और आपसे पहले तो बोलेंगे अच्छा वहाँ जाना है, वो तो बहुत दूर है, जबकि वो केवल 1 किलोमीटर होता है। वो आपको घुमा के ले जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको पता पड़ जाएगा, हाँ जी हम तो बस 1 किलोमीटर दूर आए थे। तो गाइस, हम जैसे ही वहाँ पर चलने वाले थे, चल रहे थे, ट्री में बैठे थे, थोड़े टाइम बाद ही वहाँ पर मौसम बिगड़ गया और बारिश आने लगी। मैंने बैटरी रिक्शे में बैठ कर ही एक वीडियो को शूट किया। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, चारों तरफ से हवाएं आ रही थी, क्योंकि आपको मालूम होगा जयपुर के आसपास जो पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं वो। ये मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। जाम नहीं है वहाँ पर, जैसे अपने यहाँ पर है जाम, वहाँ पर नहीं है जाम। और एक सभ्य व्यवहार देखा मैंने वहाँ के लोगों का, मैंने वहाँ पर बस तो बहुत कम देखी थी, ज़्यादातर बैटरी रिक्शे और ऑटो ही थे। ये एक बस गई थी बस, आप देख रहे हो कितना अच्छा मौसम लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम मेरे को भी। मैं मेरे दोस्तों ने आगे बिठा दिया था ट्री में, पूरा भीग गया था मैं भाई, हो मेरा फ़ोन भी भीग गया था, मैं भी भीग गया था। ये बोलते हैं ना, जयपुर में पानी भी नहीं है, अब आप खुद देख लीजिए, जयपुर में पानी ही नहीं है फिलहाल। ये वहाँ पर हम गए थे, एक किला था आमेर किला, उसको जाते समय ये रास्ते के व्यू हैं कुछ। इस सामने जो किले हैं, जयगढ़ का किला है और नाहरगढ़ का किला है, अगर आप कभी जाते जरूर घूमें। और अब ये जो सामने है, ये है तुम्हारा आमेर किला, इसको हमने एंट्री किया। इस पर भी इसके अंदर के बाद ये फ़ोटो क्लिक की थी, काफ़ी सुंदर व्यू दिखता है अंदर से भी, आप देख सकते हैं। ये सब अरावली की पहाड़ियां हैं जो जयपुर के चारों तरफ बनी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आमेर किले में एक बहुत सुंदर चीज़ मेरे को लगी थी, शीश महल। ये शीश महल था, अब मैं अंदर से दिखाता हूँ। देखिए, ये शीश महल था, इसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था, चमक मार रही थी चारों तरफ से। इसमें पब्लिक अपने चेहरे देख रही थी इन शीशों में। फिर मैंने ऊपर जाके और व्यूज़ लिए, देखिए कितने अच्छे अच्छे व्यू थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था यहाँ से। और ये ऊपर से और ऊपर से लिए, और एक और था हाथी पांव, हाथी गेट, वो ये था। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से बना हुआ है ये,
आपको मालूम है पुराने राजा जितने भी हैं सब ने बहुत अच्छी तरीके से बनवाया। और आपको दिखाते हैं हवा महल की एंट्री कैसे होती है, अब देखिए। वेलकम तो ऐसे हो रहा था जैसे किसी की बारात आ रही हो। एक इधर ढोल वाले का, इधर बांसुरी वाले। ये पुलिस वाला काउंट कर रहा था कितने बंदे अंदर जाएंगे, कितने बंदे अंदर, लिस्ट बना रहे थे बने ही बनने कितने बंदे जाते हैं। जैसे ही मशीन में से हम अंदर घुसे, ये था हवा महल अंदर की साइड से। आप देखिए कितना सुंदर बना हुआ ये हवा महल। मैं इसके अंदर चला गया हवा महल के, काफ़ी लोग थे वहाँ पर, भीड़ थी। एग्ज़ाम होने के कारण स्टूडेंट वहीं थे। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, फव्वारा लगा हुआ है बीच में साइडों में एक। ओहो, खैर इतना अच्छा भी नहीं था क्योंकि ठीक से पता ही नहीं। ये मैं चढ़ गया ऊपर हवा महल पर, देखिए ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये मैंने ऊपर से कुछ फ़ोटो शूट किए हैं, देखिए चारों तरफ की पहाड़ियाँ चमकती हैं, हरियाली चमकती है, काफ़ी अच्छा है जल महल, हवा महल। ये हवा महल है, कभी आप जयपुर जाएं तो ज़रूर घूमें। थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना प्लीज़।